प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यक्रम के काव्य खंड का 12वें अध्याय कैदी एवं कोकिला कविता का भावार्थ जान लेते हैं, जिनके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। सर्वप्रथम उनका हम परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाँव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। उनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, उन्होंने अध्यापक काल छोड़कर प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसी क्रांतिकारी पत्रिकाओं का संपादन किया। वे देशभक्ति एवं प्रखर पत्रकार के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हिमकीर्टनी, साहित्य देवता, हिमतरंगनी, वेनिलो, गुंजेधारा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनको प्रमुख सम्मान भारत सरकार ने उन्हें देव पुरस्कार, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। भाव एवं शिल्प, उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। बच्चों अब हम कविता के समय एवं परिस्थितियों को जान लेते हैं। कैदी एवं कोकिला कविता ब्रिटिश शासन के समय लिखी गई कविता है। अंग्रेजी शासन के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक चित्रण करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वह चीख उठी है। इस महान आत्मा का देहावसान 1968 में हुआ। प्रिय बच्चों अब हम कैदी और कोकिला का प्रथम छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जो कि है क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के मनोदशा को कोयल को संबोधित करते हुए व्यक्त किए हैं। रात के घोर अंधकार में जेल के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं तो वह मन में दबी सारे प्रश्नों को एक एक कर उससे पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, क्या लेकर के आई हो, किसका संदेशा है, बोलते बोलते चुप क्यों हो जाती हो। अतः उपरोक्त पंक्तियों में कवि कैदी के माध्यम से भारतीय आवाम के मनोदशाओं को दर्शाया है। अब हम कैदी एवं कोकिला के दूसरे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका दूसरा छंद है ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में कवि स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जेल में किए जाने वाले अत्याचारों को दर्शाए हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। उन्हें
तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। उनके ऊपर दिन रात कड़ी निगरानी है। अंग्रेजी शासन रूपी अंधकार की साय में न्याय रूपी चंद्रमा भी निराशा फैला रही है। इसलिए कवि कोयल से पूछते हैं, इस समय अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को भी क्यों जगा रही हो? क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो? बच्चों, अब हम कैदियर कोकिला के तीसरे छंद को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, इसका भावार्थ है कि प्रथुष्ट पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी के कैदी और कोकिला शीर्षक का तीसरा छंद है। इन पंक्तियों में कवि कोयल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों के दिल के दर्द को उजागर किए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है और इसलिए उनके कंठ से मधुर स्वर की जगह वेदना के स्वर निकल रहा है। ऐसा लगता है कि कोयल का कुछ लूट गया है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोयल, तुम तो बासंती सौंदर्य को अपने मीठे स्वर से बढ़ाने वाली हो, लेकिन तुम वेदना क्यों बढ़ा रही हो? इसलिए कवि व्याकुल होकर कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। बच्चों, अब हम कैदी और कोकिला के चौथे छंद को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को जानते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी के कैदी और कोकिला शीर्षक से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि कोयल को मध्यरात्रि में चीखते देखकर उससे पूछते हैं कि हे पगली, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है।